सोशल मीडिया पर इन दिनों जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में हुई मारपीट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत सोहारी में जमीन को लेकर हुए विवाद का बताया जा रहा है। ये मामला सोहारी से कछवे गांव को बनने वाली सड़क के बीच गांव वालों के लिए रखी रिजर्व 6.5 मरले जमीन का है। एक पक्ष इस जमीन पर घर के पास गांव वालों को अपनी गाड़ी तक नहीं ले जाने देते हैं। मामला पंचायत प्रधान के अपने ही गांव का है, लेकिन न्याय के आगे प्रधान भी मौन धारण किए हुए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में हुई मारपीट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत सोहारी में जमीन को लेकर हुए विवाद को बताया जा रहा है। ये मामला सोहारी से कछमी गांव को बनने वाले सड़क के बीच गांव वालों की रखी रिजर्व 6.5 मरले जमीन का है। एक पक्ष इस जमीन व घर के पास गांव वालों को अपनी गाड़ी तक नहीं ले जाने देते हैं। मामला पंचायत प्रधान के अपने ही गांव का है, लेकिन न्याय के आगे प्रधान भी मौन धारण किए हुए हैं। लोगों का आरोप है कि दोनों पक्षों को सुनने की बजाय एक पक्ष के साथ चलकर गांव वासियों की इस रिजर्व जमीन पर कोई फैसला नहीं ले पाते। प्रधान की कार्यप्रणाली को लेकर भी लोगों में आक्रोश है। हालांकि प्रधान इस तरह के आरोपों को निराधार बताते आ रहे हैं। हर वाद विवाद का कारण ये जमीन का टुकड़ा बन रहा है। सड़क वर्ष 1993-94 से बनना शुरू हुई थी, फिर वर्ष 2017 में विधायक निधि से 3.50 लाख रुपए मंजूर हुए थे। गांव वालों ने जमीन की निशानदेही भी करवाई और जमीन दूसरे पक्ष के घर तक निकली। ताजा घटनाक्रम के मुताबिक गत 5 जनवरी 2020 को फिर से इस जमीन को लेकर विवाद हो गया। पूर्व सैनिक संतराम पुत्र स्वर्गीय कांशी राम गांव सोहारी और भगवान सिंह पुत्र स्वर्गीय राजू राम निवासी सोहारी के परिवारों के बीच भारी विवाद हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। जमीन विवाद का मामला बिजड़ी पुलिस चौकी में दर्ज है। पापा चिता किया ए ऊपर ऊपर थोड़ा जी ऊपर आओ आओ देखो एक गुंडा एक बुजुर्ग को मार रहा है और यहाँ का पूरा परिवार पड़ा हुआ है और धर्म हो रहा है यहाँ पे। पापा ने लड़ाई ए थी एथी रहते आओ ए थी आओ आओ ए थी ते ये थी ते मारो मारो साले को तू भी बोलना भी मारो मारो मेरा अपना मारते नहीं। वही इस मामले पर एसपी हमीरपुर अर्जित सिंह ने कहा कि वायरल वीडियो में ग्रामीणों में धक्का मुक्की हुई, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि रास्ते के लिए आपस में झगड़ा हुआ है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। ये वीडियो का मेरे को अभी तक नॉलेज नहीं है, ये आपके माध्यम से ही हुआ, पर ये जैसा कि मैंने वीडियो देखा है उसमें दो सीनियर सिटीजन जो प्रतीत हो रहे हैं वो आपस में धक्का मुक्की थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। इसको हमने वेरीफाई किया, जो अभी वेरीफाई किया है हमने, थाना बड़सर का मामला है ये और वहीं की लोकल पंचायत का एक इशू है। इस पे जैसा कि मेरे को ज्ञात हुआ है दोनों पे एफआईआर, दोनों पार्टीज पे एफआईआर रजिस्टर हुई है। इसमें जितना मेरे को पता चला है उसके मुताबिक ये एक मुश्तरका ज़मीन थी जिसके लिए आपस में इनका झगड़ा हुआ और वहाँ पे प्रेजेंट कुछ लोगों ने, शायद एक पार्टी के रिश्तेदार हैं, उन्होंने ही ये शायद ये वीडियो बनाया है। इसमें अभी हमको जो इनकी पार्टीशन की डिटेल्स है वो भी लेना शेष है, पर वो एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन जारी है। और ये ज़मीन है, इसमें एक पार्टी का कहना है कि इनके ऑलरेडी ये ज़मीन थी उसके ऊपर ये सड़क बना, दूसरी पार्टी सड़क बनाने की कोशिश कर रही थी और इसी कारण से ये झगड़ा हुआ। तो इसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला एस्पेक्ट ये रहेगा कि हमको ये पता करना है कि कौन सी किसकी ज़मीन है और उस पे हमने रेवेन्यू अथॉरिटीज से इन आईओ ने डिस्कस कर रखा है और हम इन्वेस्टिगेशन को इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, अगर मेरा पर्सनल व्यू लिया जाए तो इस तरह के वीडियोस, क्योंकि फेसबुक और सोशल मीडिया एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो हर उम्र हर वर्ग के लोगों को एक्सेसिबल है, तो मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों को ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कम से कम इस तरह के सेंसिटिव वीडियोस जो हैं वो अपलोड ना करें, क्योंकि ये इसमें इसको देखने वाले जो हैं हर उम्र के बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं और कई सेंसिटिव चीज़ें भी देखी गई हैं कि कई बार सोशल मीडिया पे डाल दी जाती हैं बिना सोचे समझे। तो मेरे आपके माध्यम से यही अपील रही है कि इस पर इस तरह का ना करें। अगर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर अपलोड की जाएँ जो कि आपत्तिजनक हों और उसकी शिकायत मिले तो उस पर एफआईआर होने का भी एक प्रावधान है, उस पर लीगल रिकोर्स भी लिया जा सकता है।
तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले तो इस तरह के सेंसिटिव मटेरियल आप कोई भी डालने, खासकर बिना वेरिफिकेशन के सोशल मीडिया पर डालने से परहेज़ करें, और अगर वो डालें तो ये ज़रूर चेक कर लें कि उसमें इस तरह की कोई आपत्तिजनक चीज़ ना हो, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, सेंसिटिव कंटेंट सोशल मीडिया पर डालना इत्यादि कई चीज़ों के अंतर्गत, इसके आईटी एक्ट के अंतर्गत इसमें कई प्रावधान भी हैं जिससे हम FIR रजिस्टर करके इसमें फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो यही मेरा कहना है इस तरह के एक ट्रेंड के बारे में। ठीक है सर, थैंक यू।